बड़ा इफेक्टिव है आपका। जी सर, मेरा नाम किशन गबेल है, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और मेरा स्कूलिंग वहीं से हुआ है और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है एनआईटी रायपुर से 17 बैच। तो सहायक शिक्षक क्यों बन गए आप? सर, तैयारी के दौरान सीजीपीएससी में तैयारी के दौरान मैं इसका एग्ज़ाम दिया था सहायक शिक्षक का, तो नहीं तो क्यों दिए थे एग्ज़ाम? यानी जाने का मन था तभी दिए होंगे। हाँ, जाने का। एनआईटी करने के बाद आप शिक्षक बन गए यार, ये डिग्रेडेशन है ये तो, ये भारत में। जी सर, पर एक मतलब रोजगार के लिए भी एक प्रयास की तरह मैं इसको देखा। एनआईटी पर्सन को रोजगार की क्या चिंता, ये बताओ मेरे को। सबसे पहली बात तो ये क्लियरिटी दो आप। नहीं सर, मेन मेरा उद्देश्य बंद कर देना चाहिए जितने भी इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के, यानी ये रोजगार नहीं दे पा रहे, आपका मतलब यही है? नहीं सर, मेरा उद्देश्य था कि सरकारी मतलब गवर्नमेंट जॉब में मैं ट्राई करूं और अधिकारी के लेवल पे जाऊं, तो इसके लिए मैंने। तो आप अधिकारी बन के कहां गए, शिक्षक बन के गए? एबीओ की पोस्ट देते तो प्रशासनिक अधिकारी की पद थी, मैं मान सकता हूं। नहीं सर, तैयारी करने के लिए समय भी मुझे सफिशिएंट मिलेगा बोल के मैं शिक्षक में ज्वाइन किया था। और कॉलेज के दौरान सर कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हुआ था मेरा प्राइवेट कंपनीज में, पर मैंने उसको छोड़ दिया था सर इसके लिए, तैयारी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। जी सर, भारत में हर कोई सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाहता है किशन जी, ये बताइए। सर पहली बात तो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी के लिए, और दूसरा जो है कि पब्लिक में जो सेवा करने का मौका मिलता है उसके लिए भी इसके तरफ रुझान है लोगों का। ये सेवा वेवा बस आदर्शवादी चीज है किशन जी, आज के समय में नहीं है कुछ भी सेवा, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। नहीं सर, सेवा करना और पब्लिक में जाकर काम करना उसका अपना और पावर भी है सर गवर्नमेंट में। आप रायगढ़ घराने से हैं, मैंने घराना शब्द यूज किया तो एक सांस्कृतिक पक्ष आ गया रायगढ़ में, बताइए उसके बारे में। जी सर, जैसे सांस्कृतिक रूप में रायगढ़ भी बहुत उच्च श्रेणी का, शुरू से ही राजा चक्रधर सिंह के समय से ही कथक के क्षेत्र में और तबला वादन के क्षेत्र में उनका नाम था, और कथक के जो ग्रंथ लिखे गए और उनके द्वारा जो उसको प्रोत्साहन दिया गया, वहाँ से रायगढ़ घराने के रूप में कथक के लिए सर रायगढ़ घराना जाना गया। छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से सांस्कृतिक महोत्सव हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर सर ऐसे कितने महोत्सव हैं? सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी कुंभ मेला जो यहाँ पे धरी ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर के आते हैं कि नहीं कलाकार? चक्रधर सर्वाधिक आते हैं, बाकी में भी आते हैं लेकिन चक्रधर समारोह में विशेष रूप से बुलाए जाते हैं, है ना? आप वादन भी करते हैं भाई रायगढ़ घराने से, क्या वादन करते हैं? सर मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे केसियो या फिर माउथ ऑर्गन, गिटार ये बजाता हूँ सर। तीनों में कुछ समानता है जो नाम लियो आप, केसियो, माउथ ऑर्गन और गिटार, एक ही क्वालिटी बता दीजिए जो तीनों वाद्य यंत्रों को इंस्ट्रूमेंट को जोड़ता है। समानता तो सर मुझे तीनों अलग प्रकार के लगते हैं सर। किशन, आप लोग गायन करते हैं ना, ये जो लोग गायन होते हैं जैसे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के ही लोग गायन, इनका हमारे सामाजिक जीवन में क्या महत्व है? जो लोक संस्कृति है इसके अंतर्गत लोक गायन आता है और ये स्थानीय व्यंजन आते हैं लोक नाटक, इनका हमारे सामाजिक जीवन में क्या महत्व है? सर ये हमारी संस्कृति को एक तरह से निरूपित करने का माध्यम है और लोगों के जो दिनचर्या है उसमें किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को भी दर्शाता है, और विभिन्न प्रकार के जो जैसे छठी गीत हो गया या फिर फसल गायन के समय गीत हो गया या फिर कोई पर्व के समय गीत हो गया, उसके द्वारा हम उसमें एक तरह से उसमें लिप्त होते हैं या फिर उसमें बिल्कुल महत्व। बताइए क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में? सर इससे हमारी संस्कृति जो है वो एक तरह से लंबे समय तक आगे चलती है और उसका हम लोग इसके माध्यम से बताते हैं सर। जी चलिए ठीक है। अच्छा, आपके इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की उपयोगिता क्या रहेगी वन सेवा में भाई? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप हैं, इसका उपयोग कैसे करेंगे आप वन सेवा में?
है कुछ उपयोगिता? सर ऐसे तो बहुत खास रूप में नहीं, पर कुछ रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं सर। जैसे? जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई दिया जाता है फॉरेस्ट में, जो भी उसके फॉरेस्ट के वर्क्स के लिए, उसके लिए मिनिमम कॉस्ट में जो नेटवर्किंग होता है या वायरिंग होता है उसमें योगदान कर सकते हैं, या पैनल्स जो लगते हैं सोलर पैनल, उसकी जो होती है कॉस्ट होती है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं सर, या ट्रांसफार्मर का जो यूज़ होता है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, यदि आपका चयन ACF में होता है तो आपका प्रशिक्षण कहाँ होगा? सर ACF के लिए देहरादून या कोयम्बटूर में होता है सर प्रशिक्षण, और रेंजर का जो होता है वो विभिन्न प्रकार के संस्थान जैसे मध्य प्रदेश आसाम में और कुछ जगह पे हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं है क्या रेंजर के प्रशिक्षण का संस्थान? छत्तीसगढ़ में सर, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर, लेकिन अभी कंफर्म मुझे मालूम नहीं सर वहाँ प्रशिक्षण हो रहा है या फिर ये नहीं। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ बताइए। टाइगर रिजर्व सर प्रोजेक्ट टाइगर के स्टार्ट होने के बाद ये एस्टेब्लिश किया गया था। कब इसके मतलब इस लागू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर योजना को? सर जब वन्य जीव प्रशिक्षण संरक्षण अधिनियम 1972 एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघों की संख्या को जो कम हो रही थी उसको बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था सर, और पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो जिम कार्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड में लागू किया गया था। जिम कार्बेट उत्तराखंड में? जिम कार्बेट कौन थे? जिम कार्बेट सर वहाँ के एक एक्टिविस्ट थे जो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट से संबंधित जो संरक्षण में एक्टिविस्ट थे या शिकारी थे? जी सर हंटर। हाँ जी सर, वो फॉरेस्ट हंटिंग के लिए यूज करते थे सर उस एरिया को, उनके नाम। अच्छा, प्रोजेक्ट चीता नाम सुना होगा आपने, काफी चर्चित था पिछले साल। जी सर, बताइए इसके विषय में जो भी जानकारी है आपको। सर जैसा कि हमारे देश में चीता का प्रजाति विलुप्त हो चुका है, तो उसका कब विलुप्त हुआ था वैसे, मतलब आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कब की गई थी कि चीता भारत से समाप्त हो चुके हैं? सर ये लास्ट जो आज़ादी के टाइम से ही 1950-51 के आसपास लास्ट जो चीता था वो छत्तीसगढ़ के ही जो उत्तरी भाग में शिकार हो गया था उसका अंतिम रूप से, उसके बाद इसका कोई नहीं देखा गया था सर, इसकी कोई मतलब वन में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। तो इसके प्रोजेक्ट चीता के तहत सर कुनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के, उसमें अफ्रीका से कुछ चीते लाए गए थे हवाई जहाज के माध्यम से, उनको ट्रैंकलाइज करके और उनको यहाँ पर संरक्षण देकर उनकी संख्या बढ़ाने पर कार्य करने के लिए इसको लाया गया था। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी वन की परिस्थितियाँ हैं कि चीतों को फिर से पुनर्वास किया जा सके यहाँ? छत्तीसगढ़ में सर चीतों के लिए है सर, बिल्कुल उपस्थित है हमारे। कौन कौन सा है, कौन सी जगह छत्तीसगढ़? सर जैसे कि हमारा नॉर्थ में जो उत्तरी क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत, वहाँ पर वहाँ तो सघन वन पाए जाते हैं मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है। जी सर, वहाँ घास के मैदान हैं क्या? सर घास के मैदान तो उतने मात्रा में उपस्थित। तो फिर कैसे पलेगा वहाँ चीला, चीता कैसे उसको पुनर्वासित किया जा सकेगा? उसके लिए तो आवश्यक है ही, उसके लिए क्या है घास के लंबे मैदान चाहिए जहाँ वो रन कर सके, है ना? किशन जी, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और फॉरेस्ट में आना चाहते हैं, फॉरेस्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य आपको दिया गया, ठीक है, आपको वायरिंग करवानी है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? सबसे पहले तो जो वहाँ का सबस्टेशन है उससे डिस्टेंस कितना है, कहाँ पे कौन से सबस्टेशन से पास पड़ेगा, जो हाई वोल्टेज सबस्टेशन होता है उसको लोकेशन ट्रेस करके, और दूसरी बात जो एरिया है जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट का एस्टेब्लिशमेंट है या फिर घने जंगल हैं, उससे ना होकर के कहीं ऐसे जगह से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए जहाँ से ज़्यादा प्रभावित ना हो और सब स्टेशन की दूरी भी ज़्यादा ना पड़े। आप वहाँ ओपन वायरिंग कराएंगे या केबल वायरिंग कराएंगे सर? ओ या अंडरग्राउंड वायरिंग कराएंगे, मेरा जानने का मकसद ये था। जी सर, सर वहाँ पे ज़्यादा उपयोगी रहेगा सर अंडरग्राउंड वायरिंग अगर किराया जाता है तो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में अगर ओपन वायरिंग हुआ तो फिर जैसे शॉर्ट सर्किट या फिर कोई घटना होने से या फिर वन्य जीव को भी
नुकसान हो सकता है। ऐसी कुछ घटनाएं हमने देखी है कि कुछ पक्षियां या बंदर वायर्स पे बैठे रहते हैं, उनको शौक नहीं लगता। जी सर, क्यों ऐसा क्यों होता है? सर जो इसमें मैमल्स होते हैं सर, उन लोग को शौक का ज़्यादा शौक का अफेक्ट होता है, जबकि जो अंडे देने वाले होते हैं उन लोग को क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। एज ए इंजीनियर आपका क्या जवाब रहेगा? ये तो एक किंवदंती या एक कहानी के रूप में भी बता दिया जाता है कि जो अंडे देते हैं उनको करंट नहीं लगता, लेकिन कई बार हमने तो पक्षियों को भी लटका हुआ देखा है। जी सर, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका क्या आंसर रहेगा? सर इसके बारे में मुझे उतना अच्छे से नहीं मालूम। यार आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। जी सर, बॉडी का रेजिस्टेंस के संबंधित कुछ होगा सर, मुझे परफेक्ट नहीं पता सर आंसर। अच्छा, ये हाथियों की सूचना प्रसारण के लिए छत्तीसगढ़ में रेडियो में कुछ कार्यक्रम आता है, जानकारी है आपको? सर इसका, जी सर मैंने सुना था इसके बारे में, हाथी मोर संगवारी ऐसा कुछ प्रोग्राम आता है सर, हाथी हमर संगवारी। उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है सर? इसके लिए कोई क्रिकेटर आते हैं उस पर बात करते हैं सर? इसके बारे में याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, आप जो है फॉरेस्ट सर्वे में गए हुए हैं, अचानक आपसे जो है चीता या तेंदुए का सामना हो जाता है, आप क्या करेंगे? सर उस केस में पहले देखेंगे कि सर अगर डिस्टेंस ठीक है तो पहले वहाँ से डिस्टेंस कर लेना ठीक होगा, या तो अगर बहुत क्लोज आ गए हैं तो जो उसकी टेक्निक्स होती हैं जो ट्रेनिंग में थी सिखाई जाएगी उसका यूज़ करके उसका हैंडल करेंगे सर। आपके पास एक ऑप्शन है शॉकिंग का, आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, कहीं पर आप देख रहे हैं कि वायर है, तो क्या करेंगे आप अपनी सुरक्षा के लिए? सर वायर का तो आपकी जान पे आप बनी है, कोई चारा नहीं। सर वायर्स का यूज करके मतलब उसको एग्जीक्यूट करके वाइल्ड एनिमल को शॉक कर देंगे? जी सर, करके कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए सर। पर ऐसा करने पे मुझे भी खतरा होगा सर, ऐसे करने से। जी सर, वायर के साथ छेड़खानी करने से मुझे भी खतरा होगा, तो दूसरे उपाय मैं देखूंगा सर। किशन जी, अभी कौन से भारत के पड़ोसी देश के साथ कुछ जनता लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पे चल रहे हैं? जी सर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चल रहे हैं, ठीक ठीक है किशन जी। आप